हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार एक बार फिर से आपका स्वागत है आ, आपके खुद का चैनल है इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज वीडियोस को आ, हमेशा जब भी आप देखा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें लाइक करने से यूट्यूब आगे फॉरवर्ड करता है तो किसी ना किसी लोग के आ पास ये वीडियो जाती है और जाने पर जब वो देखते हैं तो उन्हें भी फायदा होता हुआ नजर आता है और आप तो शेयर करते ही है बाकी दूसरे लोग भी यहाँ पर शेयर करें तो यहाँ पर आज के डेट में देखिए एक वीडियो आ चुकी है यहाँ पर ये स्टॉक्स यहाँ पर दस हजार तक जाने की पूरी काबिलियत रखता है थोड़ा सा टाइम दे दिए पाँच से दस साल का ये शेयर

तो स्टॉक्स भाग रहा है कुछ अच्छा स्टॉक्स आपने पिक कर लिया तो चलो ठीक है आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं या फिर ये बुल मार्केट चल रही है तो कोई भी आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे बट तो अगर हम बात करें अः कि अगर आपने स्टॉक्स को ऐसे स्टॉक्स को चुन लिया जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं की तरफ ध्यान दीजिए तो आप एक हुड नहीं आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स ऐसे ट्रेडर बन जाएंगे स्विंग ट्रेडर या फिर आप कहे कि ऐसे इन्वेस्टर बन जाएंगे कि आप कभी भी एक तो फंस नहीं पाओगे ओके अगर और उसके अलावा आप ऐसी कुछ स्टॉक्स चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि जो आपको करनी नहीं है जहां पर स्टॉक्स के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो वहां पर आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना ताकि आप उन स्टॉक्स उन में भी ना फंसे तो देखिए कुछ हर एक अगर बात करें इन्वेस्टर्स की अलग अलग स्टडी होती है तो बट मेरी भी खुद स्टडी है तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ और मोस्टली लोग उसी चीज को फॉलो भी करते हैं तो आइए उस चीज से रिलेटेड बातें करते हैं बट बिफोर दैट उन स्टॉक्स में हम बातें करें एग्जाम्पल के साथ उन स्टॉक्स को देखे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और दूसरे लोगों तक तक भी ये वीडियोस को डेफिनेटली पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो सके तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज को यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की कि आपको क्या स्टॉक्स में देखना चाहिए तो देखिए यहाँ पर हम हाँ, हर कोई बात करता है फंडामेंटल फंडामेंटल्स फंडामेंटल स्ट्रॉग कंपनी तो देखिये फंडामेंटल्स होते ही गया है फंडामेंटल्स में दो चीजें फंड़ामेंट आती है सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ओके okay, जो कि हम कहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि आ, किस तरीके के उसके शेयर होल्डिंग पैटर्नस है किस तरीके से उसकी बैलेंस शीट है किस तरीके से उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है किस तरीके के उसके नंबर है ये आता है और इससे पहले इससे भी पहले क्या आता है कि कंपनी करती क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कि अगर इस कंपनी को हम यहाँ पर ले रहे हैं तो आने वाले दो साल में चार साल में पांच साल में दस साल में कंपनी काम करती रहेगी या नहीं रहेगी ये सब चीज हम यहाँ पर देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट करते हैं कि कंपनी करती क्या है किस किस सेक्टर्स में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है यहाँ पर पता चलता है कंपनी के बारे में तो ये दो पॉइंट

बहुत ऊपर चला करता था और कहाँ पर शेयर अभी कुछ पैसों कुछ रुपए का यहाँ पर बचा है तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर फंडामेंटल्स स्टडी में आते हैं एज वेल एज टेक्निकल्स में फिर चार्ट पैटर्न आते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती है तो अब यहाँ पर हम किस चीज से बात करने वाले हैं कि आपको आप जो रॉबिन हुड स्टॉक ट्रेडर्स कहा जाता है या इन्वेस्टर्स कहा जाता है तो आप रॉबिन हुड ना बने आपको डे ये नहीं आपको ये नहीं चेक करना चाहिए कि आपको क्या कहते सौ परसेंट के रिटर्न चाहिए कि आपने ए, एक बार इन्वेस्ट किया और हंड्रेड परसेंट के रिटर्न जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हैप्पीएस्ट स्टॉक्स है दो सौ तीन सौ परसेंट के रिटर्न दे दिए हम बात करें एलकाइल्स की तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी ने चूज किया होगा ये स्टॉक्स उसे सात सौ के रिटर्न मिल हो गए होंगे तो हमें ये नहीं करना कि हमने आके बंद करी और कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पर ये तो देखिए फंडामेंटल स्टॉक्स

पचास रुपए कमाए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे और 20 से नीचे ना आए और 20 से हम हमेशा ऊपर ही रहे तो ये हमेशा हमारा विजन रहना चाहिए इन दैट केस हम यहाँ पर मार्केट में लीडर रहेंगे हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे और बहुत ज्यादा पैसा यहाँ मार्केट से कमाएंगे कोई भी ताकत एट दैट मोमेंट हमें यहाँ पर पैसा कमाने से नहीं रोक सकती बट क्या करना है इसके लिए हमें ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है ऐसे स्टॉक्स को हमें चुनना है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो जो कि हमें हम यहाँ पर अच्छा खासा पैसा दे सके मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है शेयर देखिए यहाँ पर यह भी एक अच्छा बेहतरीन शेयर है यहाँ पर भागता है गिरता है भागता है गिरता है तो हमेशा भागते ही रहेगा ये ऐसा नहीं है चार्ट पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से रहता है मोशन में और वो भी ऊपर की तरफ यहाँ पर सीधा नहीं ऊपर की तरफ जिग्जैक मोशन में होता है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा तो सबसे पहली चीज क्या बता रहा हूँ कि आपको फिफ्टी टू वीक से यहाँ पर लो अगर कोई भी स्टॉक्स मिले ओके फिफ्टी टू वीक लो क्या होता है आपको पता ही है यहाँ पर किसी भी चीज में जाइए हाई और लो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट में जाइए एन एस सी पे जाइए दिखाता है कि 52 वीक लो क्या है 52 वीक हाई क्या है जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर यही ले लिया कि यहाँ पर एक स्टॉक्स ले लिया बालाजीएमआई ओके यहाँ पर गूगल पे डाला गूगल पे डालने के बाद यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है 52 वीक हाई 52 वीक लो तो हमें ऐसा स्टॉक चुनना है अगर कोई भी स्टॉक्स फंडामेंटली सबसे पहले बात है फंडामेंटली को अपने दिमाग में घुसा लीजिए और कोई भी फंडामेंटली स्टॉक्स आपको 52 वीक लो से नीचे मिलता है तो आपको उठाना है जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर अमर राजा बैटरी अमर राजा बैटरी की अगर बात करें तो देखिये यहाँ पर अगर हम देखें तो छह पे ये शेयर आ गया था छे सौ साठ की बात करे तो यहाँ पर इसका जो फिफ्टी वीक लो था ना यहाँ पर ये ही इसका फिफ्टी वीक लो आ गया मतलब इसने अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए कहाँ पर ये ये स्टॉक्स तो बहुत साल पुराने लेवल पर आ गया था पहली बात और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे अमरा राजा बैटरी इसके रिलेटेड तो यहाँ पर अभी भी आपको मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्या फिफ्टी वीक लो फिफ्टी वीक लो यहाँ पर क्या दिखाई देगा यही दिखाई देगा कि नीचे के लेवल पर देखिए अमरा राजा बैटरी अभी काफी टाइम से यहाँ चल रहा है बट ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और यहां पर अगर हम देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है यहाँ पर अगर आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे यहाँ पर एक बार देखेंगे अमरा राजा बैटरी के से रिलेटेड तो आपको क्या पता चलेगी कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ये कंपनी यहाँ पर देखिए सत्रह यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर क्वार्टरली uh, बेसिस पे भी बीच में थोड़े बहुत यहाँ पर ऊपर uh, नीचे चला है बट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है देखिए चौदह सौ करोड़ से साठ हजार करोड़ तक प्रॉफिट देखिए एक सौ सड़सठ करोड़ से सात सौ आठ सौ करोड़ तक ये इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्स कंपनी है या नहीं जो कि हम अपने वीडियो में दिखाते हैं वीडियोस को देखा करेंगे तो आपको पता चलेगी और यदि देखिए फिफ्टी टू वीक लो से जब फिफ्टी टू वीक हाई अगर बात करें फिफ्टी टू वीक से अगर कोई भी स्टॉक्स नीचे आ जाता है ना और फंडामेंटली स्ट्रॉग तो उस शेयर को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए सूनर और लेटर आज नहीं भाग रहा है बट यहाँ पर अगर ईवी का देखिए रोल भी है जब ये भागेगा दो से तीन साल बाद तो ये शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देगा कोई यहाँ पर देखिए हजार रुपए पर भी अटके हुए उनके ही पैसे निकलेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें कोई टू हंड्रेड डीएमए के नीचे मिल जाए जैसे कि ये स्टॉक्स था था 200 DMA के नीचे मिल रहा था, इसके अलावा और और भी और भी चीटों की बात कर लेते हैं और भी स्टॉक्स की बात करते जैसे ओलम्बिक फार्मा ओलम्बिक फार्मा की बात करें देखिए आज भी टू हंड्रेड डीएमए के नीचे मिल रहा है अगर हम यहाँ पर देखें टू हंड्रेड डीएमए के तो नीचे है ही है और ये स्टॉक्स काफी नीचे देखिए अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके अगर हम यहाँ पर इसके यहाँ जाते हैं इसके बैलेंस शीट को हम एक बार चेक करते हैं तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है अच्छा खासा ग्रोथ करती है ओके okay, अच्छा खासा आर डेट फ्री कंपनी है और यहां पर देखेंगे ईयरली uh, बेसिस पर तो देखिए एक बारह करोड़ की सेल्स यहाँ पर तिरपन करोड़ की सेल्स में पचासी करोड़ का प्रॉफिट एक जब ऐसी कंपनी यहाँ परफॉर्म करके दिखा रही है डेट फ्री यहाँ पर लगभग कंपनी है डेट कम करती जा रही है रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं तो अगर ऐसी कंपनी यहाँ पर गिरती है ना तो एक मौका होता है याद रखिएगा हमेशा ऐसी ऐसी कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगी तो ये अगर जैसे ये स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं ना तो यहाँ पर आपको चूज करना है तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है 52 वीक लो पे अगर कोई शेयर मिल रहा है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको तब लेना है 200 DMA डीएमए के नीचे कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपको मिल रहा है तब आपको लेना है जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर रेडी डॉक्टर रेडी में कि अभी क्या केस था डॉक्टर रेडी के रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं आए थे कुछ यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आई थी तो यहाँ पर देखिए बट फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर था टू हंड्रेड के यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर देखिए ये फोर्टी से आज की डेट में कुछ ही दिनों में यहाँ पर फोर्टी तक पहुंच गया तो ऐसे स्टॉक्स ना यहाँ पर ज्यादा देर तक टिकते नहीं है सीधे भागने लग जाते हैं थोड़े बहुत टाइम में तो याद रखिएगा वीक लो एज वेल एज टू हंड्रेड डी के नीचे मिले तो आपको है। इसके अलावा हम बात करते हैं आर एस आई कोई भी स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स मोस्टली आपको अगर थर्टी के आर एस आई पे मिल जाए जैसे ये स्टॉक के आर एस आई चेंज होती हुई दिखाई देगी तो ये थर्टीन के R... अगर हम पर बात करें तो देखिए ट्वेंटी तो इसके नीचे अगर मिले ना बेहतरीन फंडामेंटल शेयर तो भी आपको यहां पर चूज करना है बाय ऑन टिप्स करके करना है साधा पैसा यहाँ पर एक साथ नहीं लगाना है थोड़ा थोड़ा करके दस शेयर खरीदने हैं तो चार शेयर खरीद लीजिए और नीचे आए तो चार शेयर खरीद लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पर इसमें करते रहिए जैसे कि अगर और भी आप एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो यहां पर कोई भी एग्जाम्पल लीजिए तो आपको पता चलेगी जैसे ओलंपिक फार्मा यहां पर देखिए ज्यादा दिन तक सॉरी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा लंबिक फार्मा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी स्टॉक तो ज्यादा दिन तक यहाँ टिका थर्टी डी एम थर्टी आर फिर ऊपर भागता हुआ दिखाई दिया तो आर का भी एक बहुत बेहतरीन रोल होता है यहाँ पर भी आप जब अच्छे शेयर कम यहाँ पर आर पे मिल जाए ना तो आपको ऐसे शेयर लेने चाहिए एफ इंडिया यहाँ पर देख लीजिए एफ इंडिया भी इसी तरीके से ये कितने के आर पे आ गया था अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बीस के आर तक ये शेयर यहाँ आता हुआ दिखाई दिया था देखिए यहाँ पर बाईस के आर पे आया

जैसे जी एल में अभी तक देखिए बाइंग नहीं आई है जीएलएस की अगर मैं बात करूं इसके देखिए रिजल्ट अभी ये लिस्ट होती हुई नजर आई है और यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है और एक देखिए अगर बात आर की करें तो 33 थ्री की आर पे भी चल रही है तो यहाँ पर ये शेयर क्यों नहीं भागा तो ये शेयर भागेगा बट क्यों कब भागेगा एक बार जब इसके रिजल्ट आ जाएंगे ना एक बार जब लोग इसके रिजल्ट देख लेंगे एक बार कन्फर्म हो जाएगा कि इसके रिजल्ट बेहतरीन है तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वार्टर के जब इसके रिजल्ट आने वाले होंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट आती साथ ये कंपनी पर रुकने नहीं वाली ये पांच पांच छे छह परसेंट भागती हुई नजर आएगी मल्टी बैगर रिटर्न देती हुई नजर आएगी तो इस तरीके से आपको ये कुछ याद रखने है। निकल जाना है तो आपको वो भी मैं आपको बताता हूँ देखिए टू हंड्रेड डीएमए आपने सुना आपने थर्टी बट कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो ऐसे ही लेवल पर चलते होते हैं बट फंडामेंटली स्ट्रॉग शेयर नहीं होते तो उसमें भी हमें उसमें वो चीज अप्लाई नहीं करती उसमें वो अप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे जैसे कि अगर हम बात करें वोडाफोन आई वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स अगर मैं यहाँ पर दिखा दे हूँ तो देखिए ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है कब से गिरता हुआ नजर आ रहा है बहुत टाइम से ये शेयर कभी अः पचास रुपये पे चला करता है कभी सौ रुपए और उससे भी ज्यादा ये स्टॉक यहाँ पर चला करता था यहाँ पर अगर हम यहाँ पर और थोड़ा नीचे करें तो आपको समझ में आएगी कि ये स्टॉक्स यहाँ पर हंड्रेड रुपीज के आसपास भी चला करता था बट लोग समझ नहीं रहे थे क्यों क्योंकि इसके पास एजीआर का ड्यूज था एज वेल एज यहाँ पर ये कंपनी परफॉर्म करके नहीं दिखा रही थी यहाँ पर लॉस में यहाँ पर कंपनी दिखा रही थी ये देखिए वोडाफोन एज वेल एज न्यूज आ रही थी नेगेटिव न्यूज भी किसी कंपनी

जैसे वक्रांगी वक्रांगी की अगर हम बात करते हैं तो वक्रांगी देखिए यहां पर कुछ टाइम पहले यहां पर कंपनी बेहतरीन यहां पर अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही थी बट एक साथ ही यहाँ पर देखिए रेवेन्यू कम होती हुई नजर आई छह हजार सौ सीधे पंद्रह सो तो यहां पर केसेज वगैरह इसके ऊपर होते हुए नजर आए आज तक ये रिकवर नहीं हो पाई है केसेज रक्ट यहाँ पर सॉल्व हो गए कंपनी अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस करना शुरू करी है एक बार बट स्टिल यहां पर इन्वेस्टर यहां पर अभी भी यहां पर अगर बात करें वो वाली बात नहीं रही इस कंपनी में जो पहले हुआ करती थी अभी भी इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करने से घबराते हैं यहाँ पर भी केस था यहाँ पर अगर बात करें 600 सौ पांच सौ रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद गिरता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे ही जब ये शेयर गिरते हैं ना ऐसे बेहतरीन अगर कोई खबर आ जाती है चाहे कितना भी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही हो कंपनी ऐसे केसेस में हमें निकल जाना चाहिए तो अगर परफॉर्मेंस ना करे एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें टू हंड्रेड देखिए ये भी अगर बात करें टू हंड्रेड ये यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप ओके क्योंकि ए, ये कंपनी के, के केस भी सॉल्व हो गया है कंपनी दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर रही है बट अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल नेगेटिव वाला है उससे दूर रही है ओके ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए एज वेल एज जिन कंपनी में डेट ज्यादा हो जैसे कि वोडा

जब साल के पे 50% जब तो इतना कमाओगे कि जितना ने भी कि नहीं कमा बस है तो उसमें आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को याद रखिए पैसा अपने आप बनता नजर आएगा तो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं लॉन्ग वीडियो हो गई है तो वीडियो को देखिएगा दूसरों के साथ शेयर करिएगा तो ऑटोमेटिकली नॉलेज आपको मिलती हुई नजर आएगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस